गुरुग्राम के ईस्ट डीसीपी के दफ्तर में हलचल मची हुई है। राहत सामग्री के साथ एक और ट्रक आया है। तेल तेल आया ना? हाँ, वो नेचर फ्रेश का तेल आया है, मस्टर्ड ऑयल। तो ये भी किसी ने डोनेट किया? हाँ जी, ये भी डोनेट किया। एक पूरा ट्रक नेचर फ्रेश का। 217 पेटियों में ये सरसों का तेल करीबन 5,000 से ज्यादा परिवारों के लिए एक हफ्ते के लिए काम में आएगा। तो लोग बस भेजे जा रहे हैं? बस भेजे जा रहे हैं, हमारे पास आया जा रहा है, हम उसे डिस्ट्रीब्यूशन पे देते जा रहे हैं। जिस दिन वहां से बंद हो जाएगा शायद, हम फिर देखते हैं क्या होगा। गुरुग्राम में लॉकडाउन से प्रभावित परिवारों के लिए सरकार, गैर सरकारी संस्थाओं और आम नागरिक की तरफ से सारी राहत सामग्री की सॉर्टिंग यहाँ की जाती है। तो ये कितना कुछ डालते हैं आप एक पैकेट में चावल? 3 किलो। 3 किलो? हाँ। तो ये मतलब एक फैमिली के लिए कब तक चलेगा? एक हफ्ते का बनाते हैं आप सर। ये एक किट है जी, इसमें डेली मील्स की आइटम्स हैं। 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, सरसों का तेल, नमक, हल्दी, मिर्च, जीरा, चाय पत्ती, जो डेली नीड का सामान है, और 100, ये चीजें हम एक किट में बनाकर देते हैं। तकरीबन मतलब किसी एक परिवार के लिए हफ्ता के लिए मतलब इसमें काम? एक परिवार के लिए हफ्ता 10 दिन के लिए हो जाता है। और लेडीज के लिए हमने वो सैनिटरी नेपकिन भी, प्लस प्रेग्नेंट लेडीज के लिए हमने कुछ हेल्दी फूड्स भी हमने अरेंज करके रखे हैं। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए करीबन हमारे पास 390-400 के लोग वॉलंटियर काम कर रहे हैं। हम हर क्लस्टर में दो बार रिपीट कर चुके हैं, हमारा थर्ड राउंड जाना स्टार्ट हो गया है। एंड ये आप सूची के हिसाब से चलते हैं? सूची के हिसाब से चलते हैं, हमारा मैपिंग होती है, मैपिंग पे हमारा गूगल मैप पे है। जहाँ जिस एरिया में हम ड्राई राशन दे चुके होते हैं तो उसको हम ऐप के थ्रू गूगल पे फीड कर देते हैं कि हम इस लोकेशन पे हमने ड्राई राशन दे दिया है। बाय डिफॉल्ट 1 वीक के बाद वो एरिया रेड जोन में आ जाता है, जैसे ही हम डिलीवर करते हैं तो वो हमारे पास ग्रीन जोन हो जाता है। आपदा इस स्केल की है कि कोई एक सरकार इससे अपने आप डील नहीं कर सकती, निपट नहीं सकती, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि समाज साथ साथ जुड़े। लेकिन समाज को भी एक तरीके से एक माध्यम चाहिए, चैनल चाहिए सरकार के बीच में और समाज के बीच में कि क्या क्या ज़रूरतें हैं, कैसे उसको पूरा किया जाएगा। और उसमें सिविल डिफेंस जो है बहुत अहम काम कर रही है, ख़ास तौर से जो गुरुग्राम में जो है सारे अधिकतर लोग यहाँ पर वॉलंटियर हैं। कोई लेबर है, कोई उद्योगपति है, कोई वाइस प्रेसिडेंट है किसी कंपनी का, तो कोई सरकारी ऑफिस में कोई काम करता है, या बैंकर है, या टीचर है। तमाम समाज जो है एक साथ जुट गया है और छोटे से छोटे कंट्रीब्यूशन और बड़े से बड़े कंट्रीब्यूशन सब उतनी ही कीमती हैं। लोग अक्सर फ़ोन करते हैं, बताते हैं हमने ये देना है, हमने दान देना है, तो जाके सिविल डिफेंस की टीम कोऑर्डिनेट करती है और सामान जो है ले आती है लोगों के घरों से, चाहे वो आटा हो, गेहूं हो, सब लोग डोनेट कर रहे हैं। तो जैसे ये आप देख सकते हैं, ये जो पहला लॉट आया है ये विराट कोहली की तरफ से, जो भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, उनकी तरफ से आया है। बगल में किसी और यहाँ पर जो गुरुग्राम में जो रहते हैं किसी फैमिली ने, उन्होंने डोनेट किया है। साथ साथ किसी स्कूल टीचर ने कुछ डोनेट किया है। तो ऐसे ही हर जगह से डोनेशन आ रहे हैं और पूरा समाज जो है जुड़ गया है एक साथ, ताकि बस मेन प्रयास यह है कि कोई भी जो है भूखा ना जाए। गुरुग्राम में सिद्धार्थ पांडे, गो न्यूज़।